हे गाइस, तो क्या आप लोग भी मेरी तरह अपना वेट कम करना चाहते हैं? तो मैं आपको उसके लिए बता देती हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कि आप अपना वेट लॉस बहुत जल्दी कर सकते हैं। आपको अगर वेट नॉर्मली बढ़ा हुआ है, थायराइड की वजह से बढ़ा हुआ है, प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ा हुआ है, आप हर टाइप का वेट कम कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छे और टिप्स देने वाली हूँ। जैसे कि मैंने अपना वेट कम किया है, वो भी दो बार। मैंने अपना एक बार वेट कम किया है 13 kg, एक बार वेट कम किया है 14 kg, और अब मैं तीसरी बार कम करने जा रही हूँ। अभी प्रोसेस में चल रहा है, 3-4 kg कम हो चुका है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टिप्स क्या क्या हैं वो मैंने नोट कर लिए थे पहले ही, ताकि मैं आपको फटाफट से बता सकूं। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनानी है मुझे, आप लोगों के लिए सिर्फ एक यूज़फुल, जो कि जिससे कि आप अपने वेट कम कर सको, बस एक ऐसी वीडियो बनानी थी छोटी। तो पहला मेरा टिप है जिम। अगर आप लोग जिम करते हो तो बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अगर आप सिर्फ वेट लूज़ करने के लिए जिम कर रहे हो, सिर्फ ये सोचिए कि आपका वेट लूज हो जाएगा जिम जाके, तो वो आप घर पे भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया है वो भी दो टाइम, और थर्ड टाइम अभी मेरा चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो घर पे। क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, मिस्टेक क्या होती है, हम जिम तो चले जाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें कैलोरीज कितनी लेनी है, हमें कितना उसमें से मतलब कट ऑफ करना है अपना मील। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या है, उसको इनटेक को कम नहीं कर पाते, और इसी वजह से फिर हमारा जिम जाके भी वेट लूज नहीं होता। फिर हम सोचते हैं कि हमारा तो वेट लूज नहीं हो रहा, हम जिम भी कर रहे हैं तब भी वेट लूज नहीं हो रहा। अगर आप लोग जिम कर रहे हो, अगर आप लोग जिम कर रहे हो सिर्फ वेट लूज करने के लिए, तो आप लोग घर पे भी वेट लूज कर सकते हो। हाँ, अगर आपको प्रॉपर जिम ही करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैलोरीज कितनी लेनी है। ठीक है, तो अगर आप चाहो अपने पैसे बचाओ और घर पे एक्सरसाइज करके ही, या फिर नॉर्मल डाइट करके ही आप अपना वेट लूज करो। सेकेंड चीज़ जो है मील। तो मील में मैं आपको बोलूँगी, रोटी खानी बंद कर दो। बिल्कुल सही सुना है आपने, रोटी खानी बंद कर दो, पर आटे की। ठीक है, आप लोगों के घर में बेसन होता है, सबके घर में होता है बेसन। ठीक है, आप उसमें बेसन मिक्स करो, आटा लो, बेसन मिक्स करो, चने पिसवा लो, चने का जो खाली बेसन, क्योंकि अगर आप खाली बेसन डालोगे उससे बेटर है कि आप बेसन ना डाल के आप चने नॉर्मल खुटवा के या पिसवा के वो डालो। ठीक है, कि मार्केट के बेसन में कुछ ना कुछ मिला हुआ आता है, तो घर का वो रेडी करो, चने का आटा जो होता है। ठीक है, और आप लोग बोलोगे चने का आटा और बेसन सेम होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि चने के आटे में और बेसन में ये फर्क है, चने में जो आता है वो छिलक भी पिस के आएगा। ठीक है, और चने में जो बेसन के आटे में जो है वो सारे मतलब चीज़ें नहीं होती जितना चने के आटे में होती है। ठीक है, तो चने का आटा कुटवा लो, पिसवा लो, और उसके साथ साथ आप उसमें ये जो जौ वगैरह का आटा भी मिल जाता है मार्केट में, वो भी मिक्स कर सकते हो, बाजरे का आटा मिक्स कर सकते हो, या फिर सर्दियों में आप उसका ये जो मक्की का आटा आता है वो मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो मिक्स आटा खाओ, मिक्स आटे की रोटी खाओ। ठीक है, ये मत करो कि आप सिर्फ नॉर्मल आटे की रोटी खाओ, वो बंद कर दो, क्योंकि उससे ऑब्वियसली वेट, क्योंकि उसमें कार्ब्स ज़्यादा होंगी, जितनी ज़्यादा कार्ब्स होंगी उतना ज़्यादा वेट बढ़ेगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप कार्ब्स को कम करो, मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाओ, मल्टीग्रेन मतलब मिक्स आटे की रोटी खाओ। थर्ड है पानी। पानी आप जितना हो सकते हैं पियो। अगर आप बोतल से पानी पीते हो तो एक टाइम पे सुबह को एक बोतल या दो बोतल पानी पियो। ठीक है, फिर दोपहर को खाना खाने से आधा घंटे पहले एक बोतल पानी पियो, ज़रूर पियो। फिर उसके बाद आप जब खाना खा लो उसके एक घंटे बाद एक बोतल पानी पियो, आपके 3 बोतल हो जाएंगी दोपहर तक। ठीक है, अगर आप सुबह को एक पी रहे हो तो आपके दोपहर तक 3 बोतल हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको इवनिंग में एक बोतल पानी पीना है। कोशिश करो कि सोने से पहले कम पानी हो, सोने से कम 1-1.5 घंटा पहले ही पानी आप पी चुके हो, या फिर शाम को अगर आपने पानी पी लिया है तो खाना खाने से भी आधा घंटा पहले पानी पी लो। और सोने से पहले अगर आपको पानी पीना पड़ता है तो आप कम पानी पियो। ठीक है, क्योंकि रात को अगर पानी पियोगे तो आई थिंक ब्लोटिंग वगैरह, क्योंकि मुझे जो होती थी, मैं रात को अगर पानी बहुत ज़्यादा पी के सोती थी तो बार बार उठना पड़ता था, नींद ख़राब होती है। ठीक है, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है, मेरा चौथा पॉइंट यही आने वाला है आपका। ठीक है, तो इस वजह से अपनी नींद में भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, रात को कम पानी में, दिन में अपना पानी कोशिश करो दिन में पूरा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो पानी, कम से कम 6 बोतल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 4 बोतल पी सकते हो तो 4 बोतल पियो। जो मैंने बोला 8 घंटे की नींद जरूर, 8 घंटे ही जरूर होनी चाहिए। हाँ, लेकिन किसी किसी की क्या होता है, सबको आदत नहीं होती 8 घंटे की नींद लेने की, तो अगर आप 7 घंटे भी सोते हो तो 7 घंटे जरूर सो, ताकि आपकी बॉडी को, आप ये मत सोचना कि नींद लेने से क्या मतलब वेट लॉस हो जाएगा, नींद पूरी लेने से भी वेट लॉस होता है।
ठीक है, क्योंकि आप अगर एक्सरसाइज करोगे, अगर आप जिम करोगे तो आपकी बॉडी को रिकवरी का भी टाइम चाहिए। और जैसे जैसे थोड़ी सी वॉइस की डिफरेंस हो रही होगी, डिस्टर्बेंस हो रही होगी, उसके लिए सॉरी। मेन चीज़ है कि आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा, वो आपको ज़रूरी है, मस्ट है, क्योंकि क्या है कि बिना वाटर इनटेक बढ़ाए आपको जो भी वेस्ट है अच्छे से वो बॉडी से नहीं निकल पाएगा। और बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी वाटर की, ठीक है। हम लोग क्या है, बहुत कम पानी पीते हैं, और हीट वेव भी अभी गर्मियों में इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि हम पानी बहुत कम पी रहे हैं, ठीक है। तो वाटर इनटेक तो बढ़ाना पड़ेगा, वो आप 4 बॉटल पानी पियो चलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप ग्रीन टी वगैरह या फिर जो हर्बल टी है जो मैं बनाती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, अपने सारी टिप्स बताऊँगी मैं आपको, जो जो मैं यूज़ करती थी, तो वो आप उससे बढ़ा सकते हो। मैं आपको कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए नहीं बोलूँगी, आप ऑनलाइन कुछ मत खरीदो, जो मैं घर पे बनाती हूँ अपनी वो बता दूँगी, तो वो आप यूज़ करना, उससे आपको ज़रूर इफेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है शुगर। शुगर यार आपको छोड़नी पड़ेगी, वो बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये सोचते हैं कि अगर शुगर छोड़ दिया या फिर अगर अपनी पसंद की चीज़ें छोड़ दी तो फिर क्या लाइफ रहेगी, नहीं, शुगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी को बेकार भी कर रही है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो ना कि मतलब शुगर तो टेस्ट बढ़ाती है या फिर वो सब, वो बॉडी को बेकार कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। आप उसके बजाय अगर आपको कभी क्रेविंग्स होती है मीठे की, खजूर खाओ, डेट्स वगैरह खाओ, ठीक है। फल हैं जो जिनमें जो मीठे फल होते हैं, अभी तो आम आ रहे हैं, वो खाओ। तो आम भी ये बोलो ये कार्बन होता है आम में, तो पानी में भिगो के रखो उसको, 1 घंटा 1.5 घंटा पानी में भिगो रखो, उसके बाद खाओ। तो उसके अलावा आप जो ले सकते हो, जैसे कि मुझे, मैं अपना बताती हूँ एग्जांपल, मुझे कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, मुझे दिन में मतलब ब्लैक कॉफ़ी के अलावा मुझे मिल्क वाली कॉफ़ी एक चाहिए ही चाहिए, और मिल्क वाली कॉफ़ी में शुगर तो जाएगी जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें शुगर की बजाय शुगर का रिप्लेसमेंट जो है मेरे पास वो है हनी, मैं उसमें 1 से 1.5 चम्मच हनी डाल लेती हूँ और उसके बाद में पीती हूँ। स्टार्टिंग में आपको टेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए मतलब थोड़ा सा वो टेस्ट अजीब लगेगा, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे उसको, लेकिन जैसे जैसे आप पियोगे, डेली पियोगे, तो आपको आदत हो जाएगी, और आपको फिर वही अच्छी लगेगी, उसी की आदत हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको किसी, मुझे कॉफ़ी चाहिए मेन, बस उसमें मैं शुगर डाल रही हूँ, हनी डाल रही हूँ, तो वो मेरा चॉइस है। तो इस वजह से आप किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो हेल्दी तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टाइम पे खाना खाना है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मतलब आपने सुबह उठे, संडे है, सैटरडे है, ऑफ है, तो आप लोग किसी भी टाइम खाना खा लो, उससे वेट कम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको टाइम पे प्रॉपर मील्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, अपने। और ये नहीं कि मतलब जितना मन किया उतना खा लिया। अगर मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाओ, अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 1 रोटी खाओ, मल्टीग्रेन आटे की, जो मैंने बोला मिक्स आटा करा के रखो और उसकी इस तरीके से रोटी खाओ, ठीक है। आपको वेट कम करने के लिए कैलोरी डेफिशिट करना पड़ेगा, कैलोरी डेफिशिट मतलब कैलोरीज को कम लेना पड़ेगा, तब जाके वेट कम होगा, उसके अदरवाइज नहीं होगा। जितना आपको बॉडी को ज़रूरत है उतना लोगे, उसके अलावा जितना आप एक्सरसाइज करते हो मतलब जो जितना बॉडी को चाहिए उससे थोड़ा सा कम लोगे तो आपकी वेट लूज होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो जमा हुआ फैट है उसके बाद वो आपका बर्न होना शुरू होएगा, ठीक है। आपकी बॉडी को मान लिया 900 कैलोरीज की ज़रूरत है, जैसे 900 कैलोरीज की जरूरत नहीं पड़ती, 1400 to 1500 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, जितनी हम इनटेक करते हैं मस्ट है जो हमारे लिए कि इतना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वैसे तो 2400 to 2500 तक भी होती है, लेकिन 1400 to 1500 कैलोरीज हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप उसमें से थोड़ा कम करके 1200 या 1000 कैलोरीज ले रहे हो, तो उससे आपका क्या होगा कि जो आपकी 300 to 400 जो बचा हुआ कैलोरीज है वो आपके फैट से निकलेगा, उस हिसाब से आपका वेट लॉस होगा, ठीक है। जब वो फैट निकलेगा तो ऑब्वियसली वेट लॉस होगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है वेट लॉस करने का, अगर आपको वेट लॉस करना है तो। उसके बाद आता है बाहर से खाना या फास्ट फूड, जिसकी हमें बहुत आदत हो चुकी है। तो बाहर से खाना और फास्ट फूड के उस पर मैं बोलूँगी कि मुझे भी बहुत आदत है, मुझे भी हमेशा क्रेविंग, खासकर प्रेगनेंसी के बाद तो मुझे अक्सर ये होता है, मतलब पहले मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन अभी तो मुझे होता है नहीं चाहिए तो चाहिए, ठीक है। इस पर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो मैं आपको बता देती हूँ, आप हफ्ते में एक बार फास्ट फूड या बाहर का खाना जो भी लेना है एक बार लो, ठीक है। बाहर का खाना मतलब आप उसमें डोसा या थाली या
इडली या फिर ये जो भी पाव भाजी, गोलगप्पे, चाट, टिक्की, डोसा, ये भटूरे, जो भी खाना चाहते हो, लेकिन सिर्फ संडे या सैटरडे, मतलब हफ्ते में एक बार वो दिन डिसाइड कर लो और सिर्फ उसी दिन लेना है, ठीक है। और वो ये नहीं कि पूरा दिन उस दिन खा रहे हो, एक मील, सिर्फ एक मील, और ये नहीं कि एक मील भी फिर आपका इतना हो जाए, ठीक है, वो भी पोर्शन में आपके, ठीक है। तो आप वो लो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप वीक में एक बार ले रहे हो बस, और एक ही मील ले रहे हो और पोर्शन के अकॉर्डिंग ले रहे हो अपने, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी चॉइस का कोई भी फूड चूज करो कि इस हफ्ते मुझे ये खाना है और अगले हफ्ते मुझे ये खाना है, ठीक है। इस तरीके से आप कंट्रोल भी कर पाओगे और अपने पसंद की चीज़ भी खा पाओगे। आप अपनी पसंद की चीज़ इवन घर पर बनवा सकते हो, ये नहीं कि आप घर पर ऑयली चीज़ें बनवा रहे हो या ये सब, जो भी है, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी मतलब इतनी टेस्टी टेस्टी चीज़ बता सकती हूँ डाइट की भी खाने की, कि आप बोलोगे कि ये सच में हमारी डाइट चल रही है। क्योंकि जो मैं खाती हूँ ना, जब मैं खाती हूँ ना उस चीज़ों को, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम क्यों फास्ट फूड खाते हैं। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें खाती हूँ डाइट में भी, तो मतलब अगर आप चाहते हो ये सब चीज़ें कि आपको चाहिए, आपको डाइट चार्ट चाहिए, आपको अपनी मील्स क्या 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 खा सकते हो वो चाहिए, मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपको मील्स, एक्सरसाइज सब भेज सकती हूँ। वेट लूज अगर हम चाहें तो वो हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताती हूँ, नेक्स्ट चीज़ आप क्या करना है, वॉक। वॉक एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप एक घंटा वॉक करते हो तो वो आपकी मतलब महीने में 5 से 6 किलो तो आराम से लूज करा देगा। एक घंटा वॉक कर लो, फास्ट वॉक, ये नहीं कि आप टहल रहे हो, ये नहीं, नहीं, आपको फास्ट वॉक करनी है एक घंटा, मतलब एक घंटे में किलोमीटर तो मैंने कभी अपने नापे नहीं, लेकिन हाँ मैं जिस टाइम पे करती थी, मैं एक घंटा फुल फास्ट वॉक करती थी और मुझे बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिला है इसके, ठीक है। उसके बाद आता है सेट योर गोल, अपना गोल सेट करो कि आपको कितना वेट लूज़ करना है। आप अगर आप 62 हो, 65 हो, 70 हो, तो आपको किस वेट तक आना है, 60 तक आना है, 57 तक आना है, 55 तक आना है, या 62 तक आना है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कितने दिन में करना है वो वेट लूज़, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये मत सोचना कि नहीं यार मेरा तो 3 kg होगा, या मेरा तो 2 kg होगा, या मेरा तो 1 kg होगा। जितना आप चाहोगे, 5 kg to 6 kg तो इजीली हो जाता है एक मंथ में, ठीक है। तो अपना गोल सेट करो, अपनी ड्रेसेस निकालो पुरानी, उसको पहनो, देखो वो कापो कितना फसरी है, कितना नहीं यार, कितने टाइट है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके मन में आएगा कि यार काश मैं ये ड्रेस वापस से पहन सकती, ठीक है। तो उससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। मुझे जो मोटिवेशन मिला था, मुझे जब हम अपना हमारा घर ये रेडी हो रहा था, उस टाइम पे मेरी एक मोहित ने रैंडम फोटो ले ली थी, उस फोटो को देख के मुझे इतना दुख हुआ था कि यार मैं कैसी हो गई, मैं तो ऐसी कभी भी नहीं थी, मैं कैसी अजीब सी होगी, मतलब मेरा शरीर क्या, मतलब बिल्कुल ही इधर उधर कहीं से भी निकल रहा है, तो मैं ऐसी नहीं थी, मुझे फिट होना है। तो तब से फिर मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी, तब से फिर मैंने वापस से डाइट स्टार्ट की, अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की, एक्सरसाइज स्टार्ट की, वॉक स्टार्ट की, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ करके, और शुगर बिल्कुल कट डाउन कर दिया था, तो तब ये सारी चीज़ करके मेरा वेट लूज हुआ था, और तो वही चीज़ मैं आपको सारी बता रही हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रूट्स। आप इसके क्या बोलते हैं, अपने मील्स के जगह पे, मतलब मील्स में अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स को ऐड करो। फ्रूट्स को ऐड करने से क्या होगा कि फ्रूट्स में कैलोरीज वगैरह कम होती है, उससे आपकी मतलब फुल भी हो जाएगा, टमी भी फुल हो जाएगी, और आपका बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी इंटेक नहीं होगा, ठीक है। कैलोरी इंटेक कम होगा तो उससे वेट लॉस जल्दी होगा। फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो, जूस नहीं कि उसमें मतलब हर चीज़ को जूस बना दिया है, वो कर दिया, नॉर्मल फ्रूट्स काट के खाओ ना, क्या दिक्कत है। नॉर्मल फ्रूट्स काटे खाओगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा, ठीक है। तो फ्रूट्स को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाओ अपनी कैलोरीज में। कैलोरी काउंट,
कैलोरी काउंट करो कि आपको कितनी करनी है, क्योंकि अभी जो हम नॉर्मली लेते हैं लेडीज 2100, और जो मतलब जो बताया गया है कि लेडीज को 2100 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है पूरे दिन में, और जेंट्स को 2400 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है पूरे दिन में। तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि आप अपना गोल, मतलब आपको अपना कितना वेट लूज करना है उसके अकॉर्डिंग। जो मैं लेती थी, मैं अपना बताऊं तो मैं स्टार्टिंग में मैंने किया था 1400 to 1500 कैलोरीज में लेती थी, ठीक है। मतलब ये मेरा मस्ट था कि मैं 1400 to 1500 तो जरूर लूँ, ठीक है, जिससे कि मेरी बॉडी भी, मेरी बॉडी को वीकनेस भी फील ना हो और मेरा मतलब वेट लूज भी हो, ठीक है। जैसे जैसे मेरा वेट लूज होने लगा उसके बाद मैंने अपना कैलोरी इंटेक भी कम किया, और क्योंकि जब मेरा वेट लूज हो रहा है तो मेरी बॉडी को कम कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी, और ठीक है, जब तक आपका वेट ज्यादा है, क्योंकि आपको वेट बॉडी को ज्यादा मेहनत लग रही है काम करने में, तो आप थोड़ी ज्यादा कैलोरी लो, फिर 1400 to 1500 कैलोरी लो। और जब आपकी बॉडी का वेट, जब आपका वेट कम हो गया है तो आप कैलोरी भी कम कर दो, 1200 पे आ जाओ, 1000 पे आ जाओ, उससे कम मत करना, ठीक है, 1000 लास्ट, ठीक है। तो मतलब अपना कैलोरी काउंट उसके अकॉर्डिंग रखो, आपकी बॉडी का वेट कितना है, और जब आप नॉर्मल उसमें आ जाओ, जब आपका बॉडी वेट कम हो गया हो, तो उसके बाद आप अपना कैलोरी अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ही रखो, क्योंकि आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना तो आपको खाना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि उसके बाद आप वापस से आप 3 रोटी पे आ जाओ या उस पे रहो, आप अपना मील्स को थोड़े 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 पार्ट में डिवाइड कर लो। उससे क्या होगा, एकदम से आप ज़्यादा नहीं खाओगे, एकदम से ज़्यादा नहीं खाओगे तो वो एकदम से सिर्फ फैट में नहीं जाएगा खाली, ठीक है, वो धीरे धीरे बर्न भी होता रहेगा। तो छोटे छोटे मील्स में कन्वर्ट कर लो अपने पूरे फूड। इसके बाद आप सोचोगे कैलोरी काउंट किस तरह करें, कि हम कितनी कैलोरी लें, कितनी दे रहे हैं। एक ऐप है हेल्दी फाइंड मी, जो कि आपको कैलोरी काउंट फ्री में करने देता है। मैं उसी पे अभी तक करती थी अपनी कैलोरी काउंट, लेकिन आप उस पे इजीली कैलोरी काउंट कर सकते हो, फ्री में करने देता है कैलोरी काउंट। आप उसमें अपना फूड डालो, आपने क्या खाया, और वो आपको बता देगा उसमें कितनी कैलोरी थी, कितनी प्रोटीन थी, कितना कार्ब्स था, कितना फैट था, तो वो आपको सब बता देता है। उसके अकॉर्डिंग आप ना कैलोरी काउंट कर सकते हो। उसमें सुबह ही फिल कर लो कि आप मॉर्निंग में आपको ये खाना है, लंच में आपको ये खाना है, इवनिंग स्नैक में आपको ये खाना है, डिनर में आपको ये खाना है, तो आपको पूरे दिन का बता देगा कितना कैलोरी काउंट हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना कम ज़्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है कि आप 4-5 तरीके की होती है, ठीक है। पहला आप 11 घंटे के लिए खाओ, 13 घंटे के लिए फास्ट रखो। और सेकेंड आता है आप 10 घंटे के लिए खाओ, 14 घंटे के लिए फास्ट रखो। फिर उसके बाद आता है आप 16 घंटे के लिए खाओ, 8 घंटे के लिए फास्ट रखो। उसके बाद आता है आपका आप 6 घंटे के लिए खाओ, 18 घंटे के लिए फास्ट रखो। फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट, क्या आप हर 6 घंटे के मील पे आई थिंक कुछ खाओ। लास्ट आता है आपका आप 4 घंटे के लिए खाओ, 20 घंटे के लिए फास्ट रखो। वो उनके लिए होता है आई थिंक, क्योंकि वो वाला मैंने किसी पे देखा नहीं कोई यूज़ करता है वो वाला, कि सिर्फ 4 घंटे का और 20 घंटे फास्ट रखो। क्योंकि आई थिंक वो कुछ जो सजेस्ट करते हैं, जो ट्रेनर होते हैं वो सजेस्ट करते हैं, तभी करता होगा कोई, अदरवाइज मैंने वो किसी को देखा नहीं करते हुए। तो मैं जो करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैं करती हूँ 8 घंटे खाओ और 16 घंटे फास्ट रखो, ठीक है। आप अपना टाइम अपना नोट कर सकते हो वो, कि आपको, आप अगर 9 बजे नाश्ता करते हो तो आपको 9 बजे ही फिर डेली नाश्ता करना है, या फिर 10 बजे तक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको 9 बजे से 8 घंटे कब तक हो रहे हैं, 5 बजे तक हो रहे हैं आपके 8 घंटे, तो मतलब आपको 5 बजे तक अपना लास्ट मील कर लेना है। 5 बजे के बाद फिर आपको कुछ नहीं खाना है। पानी पी सकते हो, नहीं ये नहीं कि पानी की भी मनाही होती है, नहीं, पानी पी सकते हो, ग्रीन टी वगैरह जो मैं बताऊंगी आपको, टी वगैरह वो ले सकते हो, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हाँ, ग्रीन टी या घर की टी। अगर आपको ये है कि मतलब आप ग्रीन टी बाहर से ऑर्डर करते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो जो पाउच वाली होती है वो मत मंगाओ। जब से मैंने सर्च करना स्टार्ट किया इन सब चीज़ों के बारे में, जब से मैंने वेट लूज करना स्टार्ट किया तब से, तो मैंने ये सर्च किया है कि उसमें जो टी बैग्स होते हैं उनमें मेनली काफ़ी टाइम, मोस्टली टाइम आपके टी में प्लास्टिक भी जाती है, ठीक है। तो इस वजह से आप नॉर्मल ओपन टी भी आती है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप जो भी ग्रीन टी 100 ग्राम लिख के सर्च करना या 50 ग्राम लिख के सर्च करना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रीन टी, आप वो मंगाओ। अगर आपको ग्रीन टी ऑनलाइन नहीं मंगानी है, तो मैं आपको नॉर्मल हर्बल टी बता दे रही हूँ, घर की जो आप बना
बना सकते हो। आप सुबह उठो, सुबह उठ के आप जीरा और मेथी और अजवाइन, इसके अलावा सौंफ, ये सारी चीज़ें आप एक डब्बे में मिक्स करके रख लो। उसमें अगर आप हो सके तो थोड़ी सी दालचीनी डाल लेना, या फिर दालचीनी मत डालना आप, ये सारी चीज़ें आप, ये तीन चार चीज़ें हैं, मेथी, जीरा, अजवाइन और सौंफ, ये चार चीज़ें मिक्स करके रखो। और इसको छोटी स्पून जो होती है टीस्पून, उसको एक चम्मच पानी में डाल लो, या फिर अगर आप दो लोगों के लिए बना रहे हो तो डेढ़ चम्मच पानी में डाल लो, और उससे फिर टी बनाओ, वो पियो सुबह सुबह उठ के खाली पेट, ठीक है? तो वो पियो, और मतलब वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, फर्स्ट टी वो है। सेकंड है आप नींबू पानी लो, पानी को गर्म करो अच्छे से, और उसमें नींबू, हनी नहीं डालना है, सिर्फ नींबू डाल के पियो। उससे क्या होगा, आपके बॉडी में विटामिन सी की जो अगर कमी है कहीं पे, आपका इम्यून सिस्टम भी मतलब अच्छा मजबूत होगा, बूस्ट होएगा, और आपको क्या है कि वेट लूज में भी, नींबू जो है वो वेट कटर होता है, तो आपको वेट लूज में भी इफेक्टिव होगा। थर्ड चीज़ जो है, आप थर्ड टी बना सकते हो, कच्ची हल्दी आती है, ठीक है, हमारे यहाँ तो मिलती है लेकिन आई थिंक हर जगह मिलती होगी, तो कच्ची हल्दी आती है, कच्ची हल्दी को लो थोड़ा सा, जो कच्ची हल्दी मतलब जो जो आप वो होते हैं ना सुखा के फिर खोट के बनती है, पहले उससे, उस प्रोसेस से पहले जो हल्दी होती है, जो गांठ होती है हल्दी की, वो होती है कच्ची हल्दी। तो कच्ची हल्दी को घिस लो थोड़ी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मत करना, बहुत ज़्यादा हो जाती है वो, तो कच्ची हल्दी को घिस लो थोड़ी सी, उसमें उसको पानी में उबाल के वो पियो, ठीक है। सेकेंड टी हो गई। थर्ड है जो वो है, आप एक पानी में थोड़ा सा अदरक डालो, थोड़ी सी दालचीनी डाल लो, ठीक है, उसमें आप नींबू डाल लो या ना डाल लो उसको, या तो खाली अदरक और दालचीनी का उबाल के पियो पानी में, या फिर उसमें आप चाहो तो नींबू भी डाल सकते हो, ठीक है। ये तीन टी हैं जो आप घर पे अपने आप बना सकते हो घर की चीज़ों से, ठीक है। आप उसके बाद आप ब्लैक कॉफ़ी लो, ज़रूर लो, ब्लैक कॉफ़ी जो है वो आपको बहुत इफेक्टिव होती है वेट लॉस में, ठीक है, तो ब्लैक कॉफ़ी लो, वो बहुत अच्छा है उसमें। हाँ, ब्लैक कॉफ़ी में कोई दूध नहीं डालना है, कोई चीनी नहीं डालनी है, बहुत से लोग करते हैं, मैंने देखा है खुद, मैंने अपने घर में भी देखा है, मतलब मेरे मायके में नहीं लेकिन हाँ रिलेटिव्स में, तो उसमें कुछ नहीं डालना है, उसमें ना दूध डालना है ना चीनी डालना है, कुछ नहीं डालना है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको स्लिप बताई नंबर ऑफ मील्स, नंबर ऑफ मील्स आपको आप चार मील्स डिवाइड कर लो, अगर आप 16:8 की इंटरमीटेंट फास्टिंग कर रहे हो तो, ठीक है, 8 घंटे फूड और 16 घंटे फास्टिंग, तो चार मील डिसाइड कर लो अपने, और उसमें आपकी कैलोरी काउंट के अकॉर्डिंग लेना उनको भी, ठीक है। ये बहुत मस्ट है कि आप कैलोरी काउंट के अकॉर्डिंग ही मील्स लो। जिम कर रहे हो तो कैलोरी डेफिशिट कर लो, कम खाना लो, मतलब अगर आप एक प्लेट लेते थे तो उसको एक बाउल कर लो, ठीक है। आप तीन रोटी खाते थे तो उसको दो रोटी कर लो, ठीक है। मैं जो अपना खाना लेती थी, मैं सुबह को नाश्ते में, मैं आपको अपना बता देती हूँ थोड़ा सा बस, मैं सुबह को नाश्ते में कभी पोहा, जवे, दलिया, दलिया मुझे मीठा पसंद नहीं है तो मैं नमक का लेती थी, दलिया मुझे नमक का बहुत पसंद है, उसमें गाजर डाल लो, गोभी डाल लो, मटर डाल लो, बहुत टेस्टी लगता है, पनीर डाल लो, ठीक है। और आप ये उपमा ले सकते हो, सैंडविच ले सकते हो, पीनट बटर सैंडविच ले सकते हो, नॉर्मल सैंडविच, पीनट बटर सैंडविच, नॉर्मल सैंडविच मतलब प्याज टमाटर खीरा वाले, फिर पीनट बटर सैंडविच ले सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप इडली ले सकते हो, इडली के साथ ज़रूरी है कि आपको सांभर ही बनाना है, नॉर्मल सूजी की या फिर दाल की, चावल की इडली बनाओ, ठीक है, उनको आप नॉर्मल वाइट चटनी जो टमाटर इसकी जो नारियल की चटनी बनती है उसके साथ में, या फिर ग्रीन चटनी के साथ में खाओ, ठीक है, बहुत हेल्दी है, तो ये सब ले सकते हो। ये जो मैं लेती थी, मैं वो बता रही हूँ। उसके बाद मैं खाने में लेती थी, मैंने आटा मिक्स करवा के रखा हुआ था, मैंने किया हुआ था जो बाजरा और एक और आटा था, कौन सा था, जो बाजरा, एक मेरी याद नहीं आ रहा, तो और एक नॉर्मल आटा, ये चार आटा मिक्स करके रखा हुआ था एक डब्बे में, छोटे छोटे पैकेट मंगाए हुए थे 500 ग्राम के, आधा आधा किलो के, तो उसको सबको मिक्स करके करके एक जगह रखा हुआ था मैंने, और उसी की रोटी बनाती थी, अपनी दो रोटी बनाती थी मैं तब, ठीक है, क्योंकि उसकी आपको दो रोटी भी आराम से पच जाएंगी और आराम से आपको बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं देंगी वो रोटी, ठीक है। एक कटोरी दही और एक कटोरी सब्जी या दाल, ठीक है। पनीर टोफू ले सकते हो तो बिल्कुल लो, क्योंकि प्रोटीन आपका पूरा करेगा वो,
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अलावा मैं शाम में एक फ्रूट लेती थी कोई भी, एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया, या फिर थोड़ा पपाया ले लिया, थोड़ा मस्कमेलन ले लिया, ऐसा कुछ भी, कोई भी फ्रूट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 5 बजे अपना एक ग्लास मिल्क ले लेती थी। हाँ, मैं तब जब मैंने फर्स्ट टाइम लूज़ किया था उस टाइम पे मैंने ये जो मील रिप्लेसमेंट जो आता है वो यूज़ किया है दूध में, बट अभी सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम नहीं किया कुछ भी यूज़, खाली दूध ही लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने वेट लूज़ किया था अपना, और आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। और बाकी जो भी, जिस चीज़ की भी आपको नीड हो, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, आप मुझे कमेंट्स में पूछो, एक्सरसाइज के बारे में, मील्स के बारे में, अपनी डाइट के बारे में कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट्स में पूछो, मैं आपको बताऊंगी। वीडियोस की जरूरत पड़ेगी वीडियो बना के डालूंगी। देन उसको शेयर कर दो, जिन जिनको भी वेट लूज करना है ना उनको शेयर कर दो सबको ये वीडियो। वीडियो में जाने से पहले लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।